हमारी ये बात समझ गए हैं कि उनको अब भाजपा की बैसाखी पर ही चलना पड़ेगा और भाजपा की बैसाखी के बिना उनका बेड़ा पार होने वाला नहीं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो 200 का टारगेट दिया है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब तो हम पूरी पूरा छाप लेंगे, लेकिन बिहार में अगर नीतीश कुमार का सिक्का चल जाता या बिहार हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में 176 सीटों की जो मैं बात कर रहा था, अगर उस पर नीतीश कुमार रह जाते महागठबंधन के तरफ तो निश्चित रूप से डैमेज तो करते, इसमें कोई दो राय नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां पर हम बाबा से चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि पर्दे के पीछे बिहार के राजनीति गलियारे में क्या कुछ कहानी रची जा रही है और वो कहानी को बाबा सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन से लेकर फ्लोर टेस्ट तक जो कहानी रची जा रही थी पर्दे के पीछे, बाबा ने उन सभी बातों का खुलासा किया और वो सही सभी बातें सब कुछ सही होती चली गई। एक एक करके उन राज से बाबा ने पर्दा उठाया जो बिहार के राजनीति गलियारे में पिछले 1-1.5 सालों में रची जा रही थी। जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे तब से ही वो कहानी रची जाने लगी। जब 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार फिर से NDA गठबंधन में आकर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन तमाम कहानियों से राज उठ चुका है। अब चूंकि NDA गठबंधन की सरकार बन गई है बिहार में, 2024 का चुनाव है और उसके ठीक पीछे 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे और वहीं पर बिहार में जो दल हैं उनके राजनीतिक भविष्य का जो राज है, राजनीतिक भविष्य है वो तय हो जाएगा। नीतीश कुमार आए तो हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। 2024 में NDA गठबंधन को 40 लोकसभा सीटों पर मजबूत करेंगे तो 25 में अब की बार 200 के पार का नारा लगाकर बिहार में बड़ा सियासी भूचाल मचा दिया है। 200 का आंकड़ा, कभी नीतीश कुमार की पार्टी 45 से 43 विधायक वाली हो गई है और अब 200 का पार कौन आंकड़ा बढ़ा सकेगा? क्या BJP के साथ नीतीश कुमार की हमदर्दी है या फिर खुद की पार्टी बचाने के लिए नीतीश कुमार ऐसा नारा दे रहे हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो लालू प्रसाद यादव के लिए संकट हो जाएगा और खास तौर पे तेजस्वी यादव जो बिहार में मुख्यमंत्री का सपना बनने का देख रहे हैं, उनके सपनों पर नीतीश कुमार पानी फेर सकते हैं। चलिए, भीतर की बात में आज हम चर्चा करेंगे बाबा से, जो हमारे पास विषय है उस विषय के अनुसार नीतीश के फॉर्मूले पर भाजपा की दिल्ली में गुप्त सेटिंग, 400 पार के बाद टारगेट पर बिहार, 200 पर गेम पैक। चलिए शुरू करते हैं। बाबा, नीतीश कुमार ने जब शपथ लिया और शपथ के बाद जब बहुमत का आंकड़ा छुआ तो भाषण देते हुए उन्होंने एक नारा दे दिया कि 40 लोकसभा सीटें तो हैं लेकिन अब की बार 200 के पार भी हो जाएगा। किसके लिए बोल रहे थे, अपने लिए कि BJP के लिए बोल रहे थे? देखिए, नीतीश कुमार की बात तो आपने कह दी कि नीतीश कुमार ने ये टारगेट सेट किया, उन्होंने कहा कि अब की बार 200 के पार जी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का इस पर रिएक्शन आया है? अभी तक नहीं आया। अब इस बात को यहीं पैक करते हैं, उसका जवाब बाद में देंगे। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि उनको अब भाजपा की बैसाखी पर ही चलना पड़ेगा और भाजपा की बैसाखी के बिना उनका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके 160 विधायकों के साथ जब बहुमत प्राप्त किया था महागठबंधन में, उससे भी ज़्यादा थे जी। तो आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार उधर से पलट के इधर आए क्यों। देखिए, नीतीश कुमार की ये राजनीतिक प्रकृति रही है कि वो हमेशा उसी जगह आकर के अपना फैसला लेते हैं जहां उन्हें लगता हो कि अब उनको फायदा होगा। एक तरफ जहां पार्टी में बहुत सारा उनका झमेला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने पार्टी को बचाने के लिए 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार आपको पता है कि सूत्रधार थे मोदी विरोधी गठबंधन के और उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि यहाँ भानुमति का कुनबा है और ऐसी स्थिति में यहाँ अगर उनको 40 की 40 सीट मिल जाए फिर भी एक जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे इसका वो मजबूत खूंटा नहीं गाड़ सकते थे, गारंटी नहीं था उनके पास। लेकिन भाजपा के साथ आने के बाद नीतीश कुमार का हौसला भी बढ़ा है और जो MOI समीकरण में फंस करके नीतीश कुमार बुरी तरह से प्रताड़ित हो रहे थे, क्योंकि MOI समीकरण का वोट तो नजर आ रहा था कि 32% वोट है लेकिन नीतीश को नहीं मिल रहा था, कितना ट्रांसफर कर पाएंगे सफल नहीं हो पा रहे। अब यहाँ जो स्थिति बदल गई है कि सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हर कोई वोट करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है
वो इसलिए वोट नहीं कर रहा था एमवाई समीकरण कि नीतीश कुमार ने छल किया था जी, जी। लेकिन यहां अगर नीतीश के कैंडिडेट को नहीं जिताएगा भाजपा के लोग तो छल मोदी के साथ हो जाएगा जी, जी। यहां अब समझिएगा दोनों बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों में क्या कंट्राडिक्शन है और दोनों दो तरह की बातें हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वहां नीतीश से बदला लेना था कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया एमवाई समीकरण के लोग, और यहां नीतीश धोखा करे चाहे कुछ भी करें, यहां मोदी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए जी। ये सोच करके कहीं ना कहीं लोगों ने लोगों को वोट करना है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश समझ रहे थे, सेंटिमेंट समझ रहे थे, और आप लोग तो सब पोल खोलिए दिए थे जी, जी। जिस दिन वहां राम मंदिर का उद्घाटन चल रहा था, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था, और आप लोग सीतामढ़ी से मैंने पटना तक का जो यात्रा था वो सब दिखा दिया, सीतामढ़ी में क्या था, पूरे बिहार में क्या था, हम लोगों ने जश्न को दिखलाया। और ये नीतीश कुमार को प्रभावित करता था, हम लोगों ने उसी दिन कह दिया था कि अब नीतीश कुमार नहीं टिकेंगे यहाँ। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो 200 का टारगेट दिया है और उनके जो करीबी हैं, चाहे अशोक चौधरी हों, चाहे संजय झा जिनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, ये सभी लोग जय सिया राम कर रहे हैं 200 के पार जी। मतलब 200 के पार की स्थितियां अब बिहार में उत्पन्न हो रही हैं। आखिरकार ये देखिए होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यह पता चल गया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार बचा ली, डूबती हुई नैया को बचा ली जी, जी। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, अगर ये यही ये स्थिति उनकी महागठबंधन के साथ होती तो सरकार नहीं बचती, ये लिख के रख लीजिए आप। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी थी केंद्र में, उसकी सरकार है, प्रतिष्ठा मोदी के दाव पर फंसी हुई थी, इसलिए एन केन प्रकार बाई हुक एंड क्रूक विधायकों को जुटा लिया गया। और भाजपा ने ही कहिए तो राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों को ला करके और किसी तरह से आंकड़ा पूरा किया। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी आगे आ रही है। बिल्कुल जदयू के साथ गठबंधन होगा, बीजेपी भी ये समझती है कि बिना नीतीश पार नहीं लग सकती है। 2024 तक के चुनाव में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। 2024 के चुनाव में एक छोटा सा भी आप समझिए कि डॉक्टर खूब बढ़िया इलाज आपका कर दे, आप एकदम पूरी स्वस्थ तरह से स्वस्थ हो जाए, लेकिन सुई देने में गड़बड़ी हो जाए तो बचिएगा क्या? बिल्कुल नहीं। यही स्थिति हुई है कि नीतीश कुमार उस सुई के साथ तरह है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब तो हम पूरी पूरा छाप लेंगे, लेकिन बिहार में अगर नीतीश कुमार का सिक्का चल जाता या बिहार हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में 176 सीटों की जो मैं बात कर रहा था, अगर उस पर नीतीश कुमार रह जाते महागठबंधन के तरफ तो निश्चित रूप से डैमेज तो करते, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा ये 200 का आंकड़ा अचानक से नीतीश कुमार का बोलना क्या साबित करना चाहते हैं नीतीश कुमार? 200 के पार कैसे ही रणनीति को भेद कर पाएंगे? 45 विधायक हो गए हैं उनके, तीसरे नंबर की पार्टी बार बार कही जाती है नीतीश कुमार बन गए, तो आखिरकार ऐसा कौन सा मंत्र है उनके पास जो सीधे बहुमत की तरफ उनको लेके जाएगा? देखिए रत्नेश, नीतीश कुमार को आप लोग बेहतर समझते हैं और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी तो नीतीश कुमार का पूरा अध्याय ही पढ़ देते हैं। नीतीश कुमार को यह बात पता चल गया है कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक बार फिर से अब देखिएगा ना कि बहुत जल्द सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, ये सब जो चीज़ें हो जाएगी फ्लोर पे सब कुछ आ जाएगा जी, जी। तो आप देखिएगा कि नया पैंतरा शुरू होगा जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के कौन कौन से विभाग में क्या क्या अनियमितता हुई जिसका पहले से हिदायत दिया जा रहा है। हर हाल में लालू प्रसाद के समकक्ष यानी भ्रष्टाचारी हैं तेजस्वी जी, साबित करना है, ये साबित करने का कोशिश होगा। और इसके बाद बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाने का कोशिश होगा कि बिहार को लूट रहे थे 17 महीना में जो लूट लिए। ये देखिए दो तरह की बातें सामने आ गई हैं और नीतीश कुमार को इस बात का भरोसा है कि अब मेरे चलते नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए, नीतीश को भी पता है कि 2024 के बाद किसी भी दिन उनकी कुर्सी जा सकती है या फिर 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये भी कन्फर्म है। ये बात वो अच्छी तरह समझ गए हैं और अपने लोगों को धीरे धीरे दिल्ली पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। संजय झा से शुरुआत हुआ है, अब देखिएगा बाकी लोगों को भी धीरे धीरे करके उनको मंत्री बना ही रहे हैं। अब क्या मंत्री बनाएगा, तो चुनाव लड़ेंगे उसके बाद ही ना कुछ होगा। जी, जी, जी। भाजपा का सबसे सॉफ्ट टारगेट और कहा जाए कि सबसे मैंने हार्डकोर जिस पर नजर गड़ाए हुए हैं अमित शाह, सदन में जिस तरह से व्यवहार किया था ललन सिंह ने, क्या आपको लगता है अमित शाह भूल गए होंगे? क्या नीतीश को भूल सकते हैं? इसलिए कि नीतीश सत्ता दे रहे हैं, लेकिन ललन सिंह को क्या क्यों भूलेंगे, वो सत्ता तो दे नहीं रहे हैं और वो सत्ता छिनवाए थे जी। तो एक तो वो और दूसरा सदन में जो उन्होंने व्यवहार किया है जो कर रहे थे, क्या ये वायरल हो रहा है, जबरदस्त वायरल हो रहा है साथ में आने के बाद? तो आप इतना मान के चलिए कि ये समीकरण है। और जहां तक रत्नेश आपने बताया कि किस कारण से नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं, तो आप सीधी सी बात समझिए कि पिछले 12 घंटे में जो
परिस्थिति बिहार में चेंज हुई है, और खास करके 24 घंटे में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो हुई है, 72 घंटा हो गया, 12 तारीख से लेकर के अब तक 72 घंटा हो गया। इस 72 घंटे में जो बिहार में राजनीतिक सिनेरियो चेंज हुआ है वो बहुत कुछ कहानी कह रहा है। पहला तो ये कि राष्ट्रीय जनता दल टूटा, जो विधायक फरार लापता एग्रीमेंट सब जो कर चुके थे वो सारे लोग लौट करके आ गए, सारे लोग माफी मांग रहे हैं, और भाजपा ने कहा है कि माफ नहीं करेंगे, फिर भी वो आकर के दरवाजे पर धरना पर बैठे हुए हैं कि हमको माफ कर दीजिए। सभी विधायकों के आप देख रहे हैं कि 6 विधायक जो गायब थे 6-7 वो सारे लोग आकर के माफी मांग रहे हैं, सभी लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं। तो एक तो ये है, दूसरा है कि MY समीकरण में बड़ा सेंधमारी हो गया है। अब ये सेंधमारी क्यों हुआ है तो आप समझिए, पहले तो 3 लोगों को जाना, सवर्णों की स्थिति आप समझ लीजिए, जो सवर्ण वहां से भाग करके गए हैं। हमने कहा भी था कि इस बार हो सकता है कि मनोज झा का टिकट कटे, लेकिन 2-2 सवर्णों के वहां से निकलना, हमारा ये बार बार कहना कि A to Z की पार्टी तो कहते हैं तेजस्वी, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने इस बात को सुना और उन्होंने A to Z की पार्टी का होने का भरोसा दिलाते हुए मनोज झा को फिर से राज्यसभा के लिए नामित किया। मनोज झा के नाम पर बहुत ज्यादा जीत नहीं था, लेकिन संजय यादव का नाम जैसे ही उन्होंने दिया, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक का टिकट काट करके, तो यहां आकर के विद्रोह हो गया। पार्टी के भीतर भीतर ही भीतर विद्रोह है। आप फोन लगा के देखिए किसी भी अल्पसंख्यक समाज के नेता से, बिल्कुल ये चर्चा चल रही थी कि कहीं शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का नाम चल रहा था, इसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम चल रहा था, इसके अलावे आपका और भी कई नाम है, कई नाम है जिनको लेकर के चल रहा था। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है, और खास करके आप मुस्लिम समाज की बात करें तो वो समाज देखने को मिला कि जिस तरह से अली अनवर और अन्य नेता जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल ने हमें सिर्फ यूज किया है और हमारे वोट पर सत्ता तो बनाया लेकिन हमें अधिकार नहीं दिया है, ये सारी बातें अब नजर आ रही हैं। नीरज कुमार भी बाबा कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रह गया, RJD को अपने परिवार वालों को सेट कर रहे हैं बार बार। देखिए संजय यादव का नाम चौंकाने वाला निश्चित रूप से था, लेकिन हम पहले से भी बता रहे थे कि जो तेजस्वी यादव हैं जो 1 सीट रखे हुए हैं उस सीट को अपने फैसला करेंगे। अब लालू का नहीं चल रहा है, तेजस्वी का चल रहा है, और इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहला तो ये कि लालू परिवार की सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव से संजय यादव को दूर करने का एक प्लान हो जी। लेकिन ये बात तो राजद के लोग नहीं समझेंगे, जो लोग इस इंतजार में थे कि इस बार एक अल्पसंख्यक समाज के नेता को मिलेगा, राष्ट्रीय जनता दल सम्मान देगा, इसका खामियाजा तो निश्चित रूप से 2024 और 2025 में फिर भुगतना है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। रहा सवर्णों की बात, तो आप सवर्णों को दे तो दिए, मनोज झा को दे तो दिए, लेकिन यादव समाज क्या करेगा जो इंतजार में बैठा हुआ था। तो M और Y दोनों आपसे नाराज चल रहा है, जो आपका कोर वोटर है। हम जितना भी कह लें कि आप MY की पार्टी हैं, आप यादवों को करते हैं, आप मुस्लिमों को करते हैं, इतना दिन से कह रहे थे, 32-33 वर्ष से, तो आप कहाँ पलट रहे थे, लेकिन अब पलटने का कोशिश जो आप कर रहे हैं, तो अपने लोगों को पहले गुटपेट में लेना था, लेकिन ऐसा नहीं संभव हुआ। और ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहाँ धीरे धीरे धागा टूटना तय हो गया है, वो कास्केडिंग इफेक्ट वाला जो हमारे संपादक बोलते हैं ना, वो एकदम साफ नजर आ रहा है। तो इस शायद बाबा मुझे लगता है कि 2010 वाला प्रकरण फिर से आएगा। 2010 की चर्चा जब हो रही है तो कहा जा रहा है कि इस चुनाव को 2025 के चुनाव को 10 वाले चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, कि उस समय भी जदयू काफ़ी फॉर्म में थी, राजद काफ़ी नीचे डाउन में चली गई थी, तो ये 10 वाला प्रकरण और अभी का प्रकरण जोड़ के क्यों मतलब देखा जा रहा है। देखिए 2010 जो था वो बिहार की राजनीति नहीं, इस देश की राजनीति का स्वर्णिम काल था जी। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जैसा नीतीश कुमार भी बार बार कहते हैं कि 15 साल के शासन से लोग काफ़ी त्रस्त थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोगों में भय था। अब हकीकत कितना था, कितना अपराध था, कितना अपहरण था, ये सब आंकड़े सरकार समझे और सरकार में बैठे लोग समझे, विपक्ष समझे, लेकिन हमारे पास जो था आंकड़ा, जो हमने अपनी आंखों से देखा और जो अनुभव किया, उसमें लोगों में दहशत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर से जब महागठबंधन की सरकार लेकर के आए नीतीश कुमार, तब भी लोगों के मन में ये बात था कि कहीं वैसा ही न हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत हद तक संभालने की कोशिश की और चीज़ें बदली हुई नजर आई। लेकिन इन सबके बावजूद जो 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार ने सुशासन लाया,
न्याय के साथ विकास का जो उन्होंने अपना एक एजेंडा दिया था, जिस तरह से उनका चेहरा जो सामने आया लालू और राबड़ी शासन के विरुद्ध विपरीत, नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक्शन शुरू किया, भ्रष्टाचार कोई भी किया हो, कितने लोगों का मकान सीज करके उसमें सरकारी कार्यालय खोला गया, बहुत सारी ऐसी बातें हुई, बहुत जेल गए, तो ये लोगों को लगा कि ये सुशासन आ गया है। और यही कारण था कि नीतीश कुमार जो 5 साल में कर पाए थे और जो नहीं कर पाए थे बचा हुआ था उसको करने के लिए 2010 में झोली भर भर के लोगों ने वोट दिया, जाति धर्म मजहब सबसे अलग हट करके। और नीतीश कुमार 115 सीट पर आए थे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी भी 90 के पार गई थी, यानी 200 से ज़्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन एनडीए गठबंधन आया था, बनिस्पत की जो पिछले 20 साल में चल रहा था उसके जस्ट विपरीत हुआ था। तो ये चीजें जो है लोग देख रहे थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका को आप किनारे कर दीजिए, अगर 400 के पार नरेंद्र मोदी ने कहा है, पिछली बार 300 के पार कहा था तो पार हो गए, इस बार 400 के पार कहा है, अगर ये गोल अचीव, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये गोल कहीं नरेंद्र मोदी अचीव कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि तब नीतीश कुमार नहीं, भाजपा के लिए जो शब्द का यूज उन्होंने किया, अपनी सरकार के लिए किया है कि आगे आने वाले 2025 के चुनाव में 200 के पार होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी 200 के पार होने का हर वो हथकंडा अपनाएगी, क्योंकि तब उसके पास लगभग 1.5 साल का मौका होगा बिहार को के लोगों को ये बताने के लिए कि वो आगे किस तरह से बिहार का विकास कर सकती है। आपको याद होगा कि बजट सत्र में, बजट जब सामने आ गया तो बजट को लेकर के हम लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि उस बजट में बहुत कुछ नहीं था, कुछ नहीं आपने था। देखा भी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद ही प्रश्न पूछा था जी, बिल्कुल, कि क्या सम्राट जी आपको वक्त कम मिला इसलिए ऐसी स्थिति आप उत्पन्न हुई कि आपने बजट में बहुत कुछ दर्शाया नहीं है, क्या आपके पहले बजट बन गया था? तो उन्होंने मुस्कुरा करके कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब था कि उनको स्वीकृति थी, उनको मौका नहीं मिला था। लेकिन अब जबकि सम्राट चौधरी को या भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से और बेहतर करने का प्रयास करेगा लोग। और आपने जो जैसा कि बताया भी 2010, ये 2010 वाली जो सिनेरियो है उसको उत्पन्न करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, नीतीश कुमार को निश्चित रूप से एक मूर्ति की तरह बैठा करके, और बगल में जो उनके अगल बगल में लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसमें जदयू के भी बेहतर नेता हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2-3 दिग्गजों को रखा गया है, अभी कई दिग्गज आने वाले हैं, ये सब लोग मिल करके एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जिसमें बिहार को विशेष राज्य के दर्जा जैसा भी बात हो सकता है, विशेष पैकेज वाला बात भी हो सकता है। सरकार जैसे ही बनेगी केंद्र में, अगर भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है 2024 में, तो आप देखिएगा कि बिहार का मुस्तकबिल बदलने की कोशिश जरूर की जाएगी और बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने की जो कोशिश चल रही है वो होगा। यही कारण है कि 400 के बाद बिहार पर फोकस करके, बिहार को टारगेट करके, और 200 के पार वाली जो बात कही जा रही है ये आपको नजर आने लगेगा। चलिए देखिए, तो 2010 वाली परिस्थितियां बिहार में एक बार फिर से उत्पन्न हो रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए भी ये परीक्षा का समय है। 45 विधायक हैं जो 2010 में उन्होंने 115 विधायक लाए थे, क्या वाकई में रिपीट करेंगे या फिर उससे ज़्यादा होगा? बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा परीक्षा हो सकता है। राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा देश भर में चला है, तो देखते हैं कि बीजेपी को इससे फायदा होता है या नहीं। फिलहाल अभी के भीतर की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।